सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सर आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस फाइनली लेकर के आ चुका हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए अपनी पोजो लॉन्चर सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अभी गाइस मुझे पता है कि यहाँ पर है ना ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा लेट आ रहा है, बट चलो यार कोई ना, क्योंकि गाइस आज के इस वाली वीडियो में हम अपनी पोजन लॉन्चर सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में ही बनाने जा रहे हैं एक आयरन फार्म। जी हाँ गाइस, इतनी जल्दी हम यहाँ पर एक आयरन फार्म बनाने जा रहे हैं, तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई ऑफलाइन मैंने यहाँ पर मैंने बेड वगैरह सब लगा देते आप सभी लोग जैसा कि देख सकते हो, और भाई विलेजरों की ब्रीडिंग करवा कर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो आयरन गोलम भी स्पोन होना स्टार्ट हो चुके हैं। और भाई यहाँ पर है ना देख सकते हो ऑफलाइन में यहाँ पर मेरे खेत भी बड़े हो चुके हैं, और भाई ऑफलाइन में यहाँ पर मैं शीप भी लिया था अपने घर के पास ही, और भाई इन्हें मैंने एक गड्ढे पर रखकर ब्रीड करवा दिया था। और भाई यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी शीप हो चुकी है, और भाई इन्हें मैं बार बार शेयर करता हूँ, और भाई काफी ज्यादा यहाँ से मुझे वूले मिल लिया आप सभी लोग देख सकते हो। तो एकदम बढ़िया सीन है गाइस, यहाँ पर हमारे पास वूलों का तो जुगाड़ हो चुका है। अभी गाइस यहाँ पर है ना ये वाला फार्म जो हम आयरन फार्म बनाने वाले, तो गाइस यहाँ से ना इसे हम घर के कम से कम 60 ब्लॉक दूर बनाने वाले, और भाई यहाँ पर है ना इसे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले। और भाई इसका सारा सामान ये आप सभी लोग देख सकते हो, बहुत ही कम सामान चाहिए ऑफलाइन में मैंने इसे इकट्ठा कर लिया था। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो आप सभी लोग देखकर बोर हो जाओगे, तो चलो यार कोई ना। अभी गाइस यहाँ से ना हम जल्दी से अपना सारा सामान निकलवा देते हैं, और भाई काफी सारा सामान है, सारा हम निकलवा देंगे जल्दी से, और भाई बहुत ही इजी आयरन फार्म ही होने वाला है। आप सभी लोग पूरी वीडियो एंड तक देखो ताकि गाइस यहाँ पर आप सभी लोग भी इस आयरन फार्म को बना पाओ। और भाई यहाँ पर एक ट्रिक भी है विलेजर को सबसे फास्ट तरीके से ना यहाँ पर अपने घर से आयरन फार्म पर ले जाने की। तो गाइस यहाँ से ना मैं ब्लॉक गिरकर कम से कम 60 ब्लॉक 50 ब्लॉक आगे चला जाता हूँ, और भाई फिर देखते कि गाइस यहाँ पर हमारा आयरन फार्म वहाँ पर सही बनेगा या फिर नहीं। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते हैं, और भाई देख सकते हो डीबग खोल के तो मैं चल रहा हूँ जल्दी से, और भाई अपने कोऑर्डिनेट भी मैं देख रहा हूँ बार बार। तो गाइस यहाँ पर है ना कुछ ये वाली जगह एकदम सही रहने वाली है, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया, थोड़ा सा है ना यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलते हम, तो ये जगह मुझे थोड़ी बहुत है ना ठीक ठाक लग रही है। अभी गाइस यहाँ पर ही है ना हम अपना आयरन फार्म बनाने वाले, तो गाइस यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा ही आयरन फार्म इजी होने वाला है। तो सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ हमें यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले ना गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर है ना मैं सोच रहा हूँ ये वाली जगह तो हमारे लिए बेस्ट है। अभी गाइस बता देता हूँ, तो सबसे पहले हमें 8 ब्लॉक है ना ऊपर जाना है यहाँ पर, तो जल्दी से गाइस यहाँ पर मैं 8 ब्लॉक भी ऊपर आ चुका हूँ। फिर गाइस यहाँ पर हमें एक 5x5 का ना एक एरिया बना देना है, आप सभी लोग देख सकते हो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बना देना है, काफ़ी ईजी सा ये होने वाला है प्लेटफॉर्म। तो गाइस यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इसे तो मैं जल्दी से बना रहा हूँ, और भाई यहाँ पर है ना प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि गाइस ऐसी मस्त मस्त वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए ला सकूँ। फिर गाइस यहाँ पर प्लेटफॉर्म बन चुका है, अभी गाइस ध्यान से देखना बेड कैसे लगाने, तो एक ऐसे फिर एक ऐसे फिर गाइस 3 एक साथ लग जाएंगे, तो काफ़ी ईजी सीन है यहाँ पर। अभी गाइस यहाँ पर है ना मैं कुछ नहीं करना, कुछ ऐसे करके ब्लॉक लगा देना, और भाई साहब यहाँ पर हमने ब्लॉक लगा रहे हैं आप सभी लोग देख सकते हो। फिर गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, मैं आपसे आपको फिर से बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पर अब हमें लेने ग्लास, दो दो ब्लॉक ऊंची करके हमें ग्लास यहाँ पर लगा देने, आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करके तो ग्लास लगा रहा हूँ, तो एकदम बड़े ऐसी ना गाइस यहाँ पर भी हमें ग्लास लगा देने चारों साइड। तो चलो गाइस कुछ ऐसे यहाँ पर हमें करना, फिर गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, इसके ऊपर है ना एक एक ब्लॉक की और लेयर हमें बना देनी है। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं सोचा विलेजर को लिया है, और भाई यहाँ पर है ना मैं एक स्टेयर बनाकर चलता हूँ नीचे डायरेक्ट, तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। और भाई विलेजर को लाना तो काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन गाइस कोई ना हम तब भी एकदम एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस जल्दी से ना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल लगेगी मुझे स्टेयर बनाने में, वो भाई यहाँ पर काफ़ी हार्ड होगा, तो जल्दी से हम स्टेयर बना लेते हैं। तो चलो गाइज यहाँ पर मैंने रेल वगैरह सब लगा दिया। अभी गाइज यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ विलेजर को सबसे फास्ट ले जाने की, तो सबसे पहले हमें बिठा देना है अपनी बोट पे, और भाई यहाँ पर है ना इन्हें मैं जल्दी से बोट पे बिठा लेता हूँ। फिर गाइज यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना यहाँ पर हमें रख लेनी है एक माइनकार्ट, तो गाइज यहाँ पर मैं जल्दी से एक माइनकार्ट तो रख लेता हूँ, लेकिन गाइज यहाँ पर है ना ये बोट सीधी नहीं है, तो इसे हम बोट को सीधी करके लगा देंगे एकदम, तो कुछ ऐसे करके यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। अभी गाइज यहाँ पर हमें रखनी है एक माइनकार्ट, तो गाइज यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ माइनकार्ट में ना एक और बेबी विलेजर को रखकर किसी विलेजर को रखकर चलते हम सीधा, तो गाइज देखते हैं यहाँ पर कोई विलेजर आ पाएगा या फिर नहीं, और भाई जल्दी से इन्हें रखते हम। और भाई यहाँ पर ये कोई भी विलेजर आ तो नहीं रहा है, वैसे चलो यार कोई ना। अभी गाइस यहाँ पर है ना यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा तो ट्राई कर रहा हूँ, और भाई यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट तो कर रहे हैं मुझे आप सभी लोग देख सकते हो, और भाई बिल्कुल भी बैठने के लिए राजी नहीं है। चलो यार देखते हैं इन्हें बिठा के जल्दी से मैं बिठा लेता हूँ, और भाई बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे हैं, काश यार कोई तो विलेजर बैठ जाए एकदम मज़ा आ जाएगा। और भाई यहाँ पर ये रेल तो चल गई, और भाई साहब यहाँ पर ये बेबी विलेजर बैठ गया, चलो अब धक्का देते हैं इस रेल को हम जल्दी से माइनकार्ट को, और भाई साहब ये तो आगे नहीं बढ़ी, चलो कोई ना इसे मुझे शायद से ना थोड़ी बहुत आगे करके लगानी पड़ेगी। और भाई एकदम स्पीड से जब माइनकार्ट आएगी ना तब यहाँ पर है ना आप एक चीज़ देखना कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर विलेजर चला जाएगा।
और भाई ये अभी वर्क नहीं कर रही ट्रिक। चलो यार मुझे लगता है यहाँ पर है ना माइनक्राफ्ट में एक भी बेबी विलेजर को नहीं बिठाना होगा। चलो यार कोई ना, अभी गाइस यहाँ पर है ना मैं इसे धक्का देते हैं। और भाई अब भी नहीं करी ये ट्रिक तो वर्क। चलो यार यहाँ पर कुछ तो मुझे दिक्कत सी लग रही है, फिर से हम यहाँ पर एक और बार ट्राई करेंगे थोड़ी सी पीछे करके यहाँ पर विलेजर को। तो यहाँ पर है ना मैं विलेजर को थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ। और भाई मुझे पता है मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत है ना अजीब आ रही होगी, तो गाइस यहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है। चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी मैं धक्का देता हूँ उसे। और भाई साहब आप सभी लोग देख सकते हो कैसे यहाँ पर विलेजर जा रहा है फुल स्पीड में। तो गाइस अगर ये ट्रिक आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब प्लीज से कर दो। अभी गाइस विलेजर तो यहाँ पर जा रहा है जल्दी से। गाइस यहाँ पर है ना मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ जब तक विलेजर जा रहा है। तो भाई यहाँ पर है ना मैं सबसे पहले एक लेडर ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर विलेजर काफ़ी ज़्यादा परेशान हमें करने वाले हैं अभी। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते हैं और भाई देखते हैं विलेजर पहुँच गए सेफली वहाँ पर अपने आयरन फार्म पर या फिर नहीं। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते हैं और भाई जल्दी से यहाँ पर है ना मैं ऊपर चलता हूँ और भाई देखते हैं विलेजर आ गए। और भाई यहाँ पर अपना विलेजर तो आ चुका है। चलो गाइस एकदम बढ़िया सीन है यहाँ पर। अभी हम जल्दी से ना ये बोट को तोड़ लेते हैं और भाई यहाँ पर है ना जल्दी से माइनक्राफ्ट को भी मैंने कलेक्ट कर लिया। अभी गाइस यहाँ पर जल्दी से हम चलते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर जल्दी से ना मैं एक और विलेजर को ले आते हैं और भाई काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर है ना मैं एक और विलेजर को ले आता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर विलेजर को भी मैंने एक और वाले को बिठा दिया। और भाई साहब आप सभी लोग देख सकते हो कितनी मजे से ये एकदम फास्ट तरीके से जा रहा है। और भाई काफी अच्छा लग रहा है इतनी फास्ट तरीके से यहाँ पर हमारे विलेजर यूं ही जा रहे हैं। और भाई बिल्कुल भी यहाँ पर परेशानी नहीं हुई हमें। बस गाइस यहाँ पर है ना हमारे रेल वगैरह लगे थोड़ी बहुत, चलो कोई ना। और भाई ये वाला विलेजर तो यहाँ पर सो चुका है। चलो एकदम बढ़िया सीन है। अभी गाइस यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं और भाई यहाँ पर है ना ये विलेजर भी जल्दी से सो जाए। और भाई फिर इन्हें ना सुबह सुबह यहाँ पर मैं इनकी ब्रीडिंग करवा लूंगा। और भाई जब तक ये 5 विलेजर होंगे तब तक ना यहाँ पर हम आयरन फार्म भी कंप्लीट करवा लेंगे। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते अपने घर पे और भाई जल्दी से यहाँ पर है ना हम सो जाते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर हम फाइनली सो चुके हैं। अभी गाइस यहाँ पर है ना मैं जल्दी से सो तो चुका हूँ और भाई उठ भी चुके हैं हम। यहाँ पर जल्दी से अब विलेजर के लिए थोड़े से हेबेल में ले लेता हूँ। विलेज से यहाँ पर मैंने हेबेल उठा लिए थे और भाई यहाँ पर इनकी वीट बना लेते हैं हम। और भाई फिर यहाँ पर है ना मैं इनकी जल्दी से ब्रेड बना लेता हूँ जितनी भी बन सकती है। तो गाइस यहाँ पर मैं इनकी भी बना लेता हूँ 24 की। तो चलो गाइस अच्छी खासी यहाँ पर है ना हमारे पास 60 ब्रेड आ चुके, तो इनसे ये काफ़ी जल्दी से ब्रीड हो जाएंगे अपने विलेजर। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर चलते हैं और भाई विलेजर को है ना कम से कम मैं आधे ये ब्रेड तो दे ही दूंगा। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर चलते हैं। और भाई काफी अच्छा लग रहा है हमारा सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये ना यहाँ पर हमारा आयरन फार्म भी बन जाएगा। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर है ना मैं दे देता हूँ। और भाई साहब यहाँ पर मैंने इन्हें दे दिया, आप सभी लोग देख सकते हो। अभी कमेंट में आप सभी लोग ये बताओ कि आप सभी लोगों को ये वाला आयरन फार्म कैसा लग रहा है। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर है ना अभी हम ऊपर चलते हैं और भाई चल कर है ना जल्दी से अपना आयरन फार्म बनाना हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर है ना मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर आ चुका हूँ। अभी गाइस यहाँ से मैंने लेडर भी तोड़ लिया। अभी गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। गाइस यहाँ पर है ना मैं जितनी भी डेवराइट मतलब इसके ऊपर है ना एक एक लेयर और बना देनी है। फिर गाइस यहाँ पर एक लेयर ग्लास के ऊपर लगाकर हमें इन्हें ढक देना है। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसे में इन्हें कोबल स्टोन से ढक लेता हूँ और भाई काफी अच्छा लगेगा ये आयरन फार्म देखने में। और भाई बेबी विलेजर भी आ गए यहाँ पर, तो एकदम बढ़िया सीन है। अभी गाइस इस फार्म को तो मैंने ऊपर से ढक दिया है। अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको ना यहाँ पर अपना स्टोरेज सिस्टम भी बनाकर दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर है ना हम स्टोरेज सिस्टम तो बना लेंगे और भाई यहाँ पर है ना मैं होपर चेस्ट निकाल लेता हूँ अपने लिए। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर मुझे लगा लेनी एक चेस्ट। फिर गाइस यहाँ पर मैं डबल चेस्ट इसे बना दूंगा। अभी गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, 3 ब्लॉक कुछ ऐसे करके हमें कोने के तोड़ देने। और भाई यहाँ पर मैं कैसे आ गया, चलो कोई ना हम लेडर से दोबारा से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना। अभी गाइस यहाँ पर है ना हमें यहाँ पर होपर लगा देना है ये वाला ब्लॉक भी तोड़ के। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक तो लगा दिया, आप सभी लोग देख सकते हो एकदम बढ़िया सीन है। और भाई यहाँ पर है ना मुझसे वॉइस ओवर किया नहीं जा रहा क्योंकि गाइस यहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है। और भाई यहाँ पर लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो जल्दी से गाइस मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर दो। और भाई यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इसके ऊपर जाकर है ना, और भाई मैं गिर गया तो उसके ऊपर वॉल के ऊपर जाकर हमें 3-3 ब्लॉक का हाई की एक वॉल बना देनी है। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते हैं और भाई जल्दी से यहाँ पर हम वॉल भी लगा देंगे अपने लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ब्लॉक तोड़ता हूँ और भाई यहाँ पर मैं 2 ब्लॉक ऊपर चलता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले सिंगल हाई ब्लॉक की एक वॉल की हम सारे में लेयर लगा देते हैं। तो कुछ ऐसे करके यहाँ पर हमें करना है, आप सभी लोग देख सकते हो। अभी गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, एक एक 2 ब्लॉक और ऊपर चलना है यहाँ से। फिर गाइस यहाँ पर हमें चारों साइड से ऐसी कवर कर देना है। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर है ना मैं कवर कर लेता हूँ। और भाई सब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कुछ ऐसे यहाँ पर हमें करना है। और भाई बिल्कुल डन हो चुका है हमारा आयरन फार्म, बस हमें अब इसका किलिंग चैम्बर बनाना है।
तो अगर आप सभी लोगों को ये आयरन फार्म जरा से भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो वीडियो को। और भाई जल्दी से यहाँ पर हमें निकालने साइन बोर्ड और भाई वाटर बकेट और भाई लावा बकेट अपनी। तो यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपना क्लिंग चैम्बर। तो यहाँ पर हमें दो साइन ऐसे लगा देना है, एक साइन ऐसे और एक साइन ऐसा, आप सभी लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पर हमें डालना लावा, फिर गाइस यहाँ पर हमें डालनी है अपनी वाटर बकेट। सबसे पहले है ना यहाँ से मैं वाटर बकेट डाल लेता हूँ और भाई अपना क्लिंग चैम्बर एकदम मस्त तरीके से डन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं वाटर को ले लेता हूँ और भाई बाहर निकल कर यहाँ पर हम वाटर दोबारा से डाल देंगे। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते हैं। और भाई साहब यहाँ पर अपना आयरन फार्म तो एकदम मस्त तरीके से डन हो चुका है बन के, तो काफ़ी तगड़ी बात है। अभी गाइस यहाँ से है ना हम जल्दी से बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस यहाँ से मैं बाहर तो आ चुका हूँ। अभी गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, अपने यहाँ पर एक वॉल लगा देनी है। फिर गाइस यहाँ पर है ना हम जल्दी से वाटर डाल देते हैं। तो चलो गाइस अपना आयरन फार्म तो फाइनली बन के डन हो चुका है। और भाई मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमारा आयरन फार्म वर्क भी करने लग जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि अपना आयरन फार्म कैसा वर्क कर रहा है। तो जल्दी से गाइस वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर दो और भाई कमेंट में बताओ कि मुझे इसका नेक्स्ट ऐप पार्ट भी बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो गाइस अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो लाइक कर देना और भाई मुझे कमेंट में ये जरूर से बताओ कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए अपनी पोजो लॉन्चर सर्वाइवल सीरीज में। और भाई ये भी बता सकते हो कि हम इसमें और कौन कौन से फार्म बना सकते हैं बढ़िया बढ़िया, तो आप सभी लोग ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और भाई चैनल पर न्यूज़ प्लीज से सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये आयरन फार्म बना के, आप सभी लोग ये भी कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।